कश्मीर घाटी के दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अस्तन मोहल्ले कंगन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू के कस्बा अखनूर के पंच देवेंद्र सिंह की पत्नी बीडीसी चेयरमैन की पंचायत में चल रहे विकास कार्यों पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोपों को खारिज करते हुए देवेंद्र सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए प्रशासन से इंक्वायरी करने की मांग की है। जम्मू संभाग के जिला उधमपुर के कमांड अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाने वालों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी। हर रोज औसतन 1200 लोगों का किया जा रहा कोरोना टेस्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना टेस्टिंग में कमांड अस्पताल उधमपुर की है अहम भूमिका। जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अशोक कौल की अगुवाई में वार्ड नंबर 41 के पार्षद चंदेबाड़ू व अन्यों के साथ हजूरी बाग में रहने वाले संजय कौल को दिया आयुष्मान भारत कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। संजय कौल की पत्नी है गंभीर बीमारी से ग्रसित। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की तैयारियां तेज। भवन में गुफा तक सोशल डिस्टेंसिंग के निशान बनाए गए। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच JKPYC के जनरल सेक्रेटरी की अगुवाई में जरूरतमंदों और गरीब परिवारों को रायपुर दोमाना के गांव दूमी में बांटा गया ड्राई राशन। लोगों ने किया यूथ कांग्रेस का शुक्रिया। कश्मीर घाटी के शोपियां के विभिन्न ब्लॉक्स का डायरेक्टर RDD कश्मीर ने दौरा किया तथा सरकार द्वारा विभिन्न फ्लैगशिप स्कीमों का जायजा लिया। वहीं जिला में COVID-19 की रोकथाम के कार्यों का भी जायजा लिया गया। डायरेक्टर RDD ने निर्देश जारी किया कि सभी फ्लैगशिप स्कीमों को समयबद्ध तरीके से मुकम्मल किया जाए। वहीं उन्होंने मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों से भी मुलाकात की। दिल्ली हिंसा में खुलासा। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर ने 1,30,00,000 खर्च कर दिल्ली में कराया था दंगा, चार्जशीट में चौंकाने वाला दावा। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान से मुंबई में प्रशासन अलर्ट। COVID-19 अस्पताल से हटाए गए मरीज, मुंबई में आज टकरा सकता है चक्रवात तूफान। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हुई हवा की रफ्तार। पीओके में भारत की आपत्ति के बावजूद चीन बनाएगा 1124 मेगावाट की बिजली परियोजना। हरियाणा में आज से इंटरस्टेट बस सेवा शुरू, ऑनलाइन मिलेंगी टिकट, गांव में भी दौड़ेंगी बसें। एक सप्ताह के भीतर मोदी कैबिनेट की दूसरी बैठक, आज लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। INX मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम और उनके पुत्र के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट। गोवा एयरपोर्ट पर दुबई से लौटे लोगों ने किया हंगामा, बोले क्वारंटीन केंद्रों में नहीं घर भेजा जाए। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र 9 जून तक बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की फोन पर बातचीत, कोरोना वायरस समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,51,000 के पार, तो वहीं 3,82,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 8 जून के बाद शुरू होगी चार धाम यात्रा, सीमित संख्या में जाएंगे श्रद्धालु। भूकंप से दहला भारत बांग्लादेश बॉर्डर, भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। देश में पिछले 24 घंटों में 8,909 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2,07,615 पार। वहीं 1,303 लोग हो चुके हैं ठीक और अब तक 5,815 लोगों की हुई है मौत। बाजार में तेजी, सेंसेक्स ने लगाई 530 अंकों की छलांग, निफ्टी 10,000 के पार। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,00,000 के पार, ICMR का बयान, कहा हम खतरे से हैं दूर।